उसी में मैं बताने लगा। ठीक है, डेफिनेशंस की डेफिनेशन राइट डाउन करना है, उसके बाद फिर फर्स्ट वन फर्स्ट लाइन स्किप करने के बाद आपने फर्स्ट वन आपने डेफिनेशन राइट डाउन कर ली, उसके बाद वन लाइन स्किप कीजिए। वन लाइन स्किप करने के बाद फिर नेक्स्ट वन आपने एक्टिविटी की हेडिंग देनी। किसकी हेडिंग देनी है बेटा? एक्टिविटी की हेडिंग। एक्टिविटी इज द मेन हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ जाएगी यू विल नीड। आपको शेयर हो रही है स्क्रीन में? ठीक है, आपने ये सारी चीजें यूज नहीं करनी है। ठीक है, आपने यूज करनी है जो आपके डायग्राम्स में चीजें यूज हो रही हैं। ठीक है सर, मैं हेडिंग के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि आपने हेडिंग किसकी देनी है, यू विल नीड की। उसके बाद अपने बुलेट्स के फॉर्म में अपने सारे नंबर्स, ठीक है, ये जितने भी आपकी इस डायग्राम्स में आपकी सारी चीजें, जितने भी चीजें चाहिए आपको, ठीक है, उसको आपने राइट डाउन करना है। फर्स्ट वन आपने आप भी कर सकते हैं, सेकंड वन ट्राइपॉड स्टैंड, थर्ड वन स्प्रिट लैम्प, फोर्थ वन वाटर और फिफ्थ वन आपके पेपर। ठीक है, वाटर एंड पेपर्स। अब नेक्स्ट वन आपने यू विल नीड लिखने के बाद, ठीक है, नेक्स्ट वन हेडिंग आपकी होगी प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स की हेडिंग बेटे सब हेडिंग होगी, और प्रोसीजर्स की हेडिंग राइट डाउन करने के बाद आपकी सेकेंड लाइन टेक अ बीकर, यहाँ से आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ठीक है, टेक अ बीकर एंड पुट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर इन इट। ये पैरा पूरा पैराग्राफ कंप्लीट पैराग्राफ आपने राइट डाउन करना है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन थर्ड आपने थर्ड पैराग्राफ है कन्वेक्शन अकर्स इन लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, ये आपने ये भी पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट राइट डाउन करना, अंडरस्टैंड। आंसर नंबर वन इज द फिनिश। नेक्स्ट वन आपकी है क्वेश्चन नंबर टू, आंसर नंबर टू। ठीक है, नेक्स्ट वन आइए आंसर नंबर टू पे, नेक्स्ट पेज पे बेटा। आंसर नंबर टू पेज नंबर 70 पे बेटा, सॉरी पेज नंबर 70 पे मार्क द क्वेश्चन। ठीक है, आंसर पेज नंबर 70, आंसर नंबर टू। आंसर नंबर टू एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। इसमें आपने ये मेन हेडिंग है एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। मेन हेडिंग राइट डाउन करने के बाद फिर वन लाइन स्किप करने के बाद आपने कंडक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, ये राइट डाउन करना है। नेक्स्ट वन फिर आपके जो 7 पॉइंट्स है, ठीक है, इसमें आपके कितने पॉइंट्स है? 7 पॉइंट्स। ये 7 पॉइंट्स आपने राइट डाउन करने हैं वन वन लाइन स्किप करने के बाद, अंडरस्टैंड। आंसर नंबर टू इज फिनिश। अब नेक्स्ट है आंसर नंबर थ्री। ठीक है, पेज नंबर ओपन कीजिए 74, ओपन द पेज नंबर 74। ठीक है, पेज नंबर 74 ओपन कीजिए, भूल के हर के प्लीज बेटा। पेज नंबर 74 आपका वैक्यूम फ्लास्क, आंसर नंबर थ्री। ठीक है, एक्सप्लेन अबाउट द वैक्यूम फ्लास्क, आंसर नंबर थ्री। ये आपके आंसर नंबर थ्री में बेटे फर्स्ट वन आपने वैक्यूम फ्लास्क की डेफिनेशन राइट करनी है। वैक्यूम फ्लास्क इज द मेन हेडिंग, राइट डाउन करने के बाद फिर आपने फर्स्ट पैराग्राफ राइट डाउन करना है, उसके बाद वन लाइन स्किप करनी है, और वन लाइन स्किप करने के बाद आपने सेकंड पैराग्राफ राइट डाउन करना है। ठीक है, और इसमें ये डायग्राम बनानी मस्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर वन में भी आपकी डायग्राम मस्ट है, और क्वेश्चन नंबर थ्री में भी डायग्राम मस्ट है। और इसके नीचे जो ब्लू पैच है, ये ब्लू लाइन आ रही है, ये भी राइट डाउन करना मस्ट है। अब आइए पेज नंबर 71 पे अगेन। ठीक है, मार्क कर लिया पेज नंबर 71 पे। पेज नंबर 71 पे आपका आंसर नंबर फोर स्टार्ट होगा। कौन सा आंसर स्टार्ट होगा? आंसर नंबर फोर। ठीक है, पेज नंबर 71 पे आंसर नंबर फोर, उसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका आएगा पेज नंबर 74 पे, सॉरी विंड्स एंड ओशन करंट्स इज द मेन हेडिंग।
ये पूरा पैराग्राफ आपने राइट डाउन करना है, ये किसके बारे में बेटा, विंड्स के बारे में, ठीक है, कि विंड्स किस तरह, विंड्स जो है गोज आउट जो चलती है, किस तरह पूरा विंड का सिस्टम जो है वो इसमें बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आप आइए, पेज नंबर, नेक्स्ट पेज पर आए, ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ठीक है, ग्लाइडिंग फ्लाइट्स ऑफ बर्ड्स, अपने आपने ग्लाइडिंग फ्लाइट्स ऑफ बर्ड्स कंप्लीट राइट डाउन नहीं करना है। यहाँ से आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा है ना कि बर्ड्स लाइक ईगल्स, हॉक्स, वॉल्चर्स एंड गल्स, ठीक है, यहाँ से आपने इसको राइट डाउन करना है। और ये बर्ड्स से लेकर ड्यूरिंग ग्लाइडिंग तक आपका कंप्लीट आपका आइटम, ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 4 जो है वो फिनिश हो गया, अंडरस्टैंड। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंप्लीट आपका कंप्लीट आपके सारे आंसर्स, क्वेश्चंस आंसर आपको मार्क करवा दिए हैं। मेरा ख्याल थर्ड टाइम ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको मार्क कर, ठीक है, प्लीज बी नेक्स्ट वन बेटा। अब आपके ये मेरे ख्याल में एक्सरसाइज भी दोबारा से आपको री अगेन आई विल डू इट, ठीक है, कि फर्स्ट वन फिल इन द ब्लैंक्स, यू ओपन द फिल इन द ब्लैंक्स, ओपन द क्लास एक्सरसाइज नंबर, पेज नंबर 75, ठीक है, पेज नंबर 75, पेज नंबर 75 ओपन, हरिया प्लीज, पेज नंबर 75, पेज नंबर 75 पे आपका फर्स्ट वन है द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जिस मूवमेंट में, जिस वे में, या जिस उसमें आपकी जो ट्रांसफर करते हैं हीट, जो ट्रांसफर होती है हीट, मूवमेंट होती है, जिसमें मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। नेक्स्ट वन है बेटा, इट कैन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ ड्रिंक्स, इसमें आपके पास क्या जाएगा, वैक्यूम फ्लास्क, वैक्यूम के स्पेलिंग प्लीज बी केयरफुल, ठीक है, इट इज द करेक्ट स्पेलिंग राइट डाउन कीजिएगा, VACWM, वैक्यूम फ्लास्क, FLASK, वैक्यूम फ्लास्क, थर्ड वन आपका है, नेक्स्ट वन बेटा है रेडिएशन, ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, यानी जो जिसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी इसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन, RADIATION, रेडिएशन। नंबर फोर्थ का है कि द सर्फेस विच एब्जॉर्ब एंड रेडिएट, कि जो सर्फेस हीट को जल्द अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है एंड रेडिएट करती है हीट बेटर इज कॉल्ड द मेटल, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास है MCQs हैं कि व्हेन वी सिट इन द सन वी आर हीटेड बाय द, कौन सा वे होगा, ठीक है, प्रोसेस होगा रेडिएशन। सेकंड वन, वार्म एयर राइजेस अप, कन्वेक्शन, अ मेटल स्पून इज इन ए कप ऑफ हॉट वाटर, द स्पून गेट्स वार्म बाय कंडक्शन, ठीक है। मेटल स्पून इन इज प्लेस्ड इन ए कप ऑफ हॉट वाटर, द स्पून गेट्स वार्म बाय द, किस मेथड के थ्रू होंगे, कंडक्शन के थ्रू। फोर्थ वाला को क्रॉस कर दीजिए बेटा। फिफ्थ वाला है व्हेन वार्म वाटर राइजेस इन ए लेक एंड कोल्ड वाटर सिंक्स, इट इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। सिक्स्थ वन है बेटा, हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, हीट एनर्जी बाय कंडक्शन, कंडक्शन किसमें हीट एनर्जी सबसे ज्यादा जल्दी के ट्रांसफर होती है बेटे, सॉलिड,
सेवेंथ वन में विच कलर इज ए गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट, ब्लैक कलर. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, मैंने आपको ये साइंस वन आप सबको करने को कंप्लीट करने को कहा था, ये कंप्लीट कर लिया. प्लीज कल तक मैं आपको टाइम दे रही हूँ ओनली, ठीक है? टुमारो आई विल चेक योर साइंस वन, ठीक है? इस क्वेश्चन आंसर के साथ मैं आपको इसका फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये आज जो है आपका साइंस वन जो है वो इसको कम्प्लीट करवाऊंगी. नेक्स्ट वन है बेटा आपका, आप बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि चैप्टर नंबर 8 की, चैप्टर नंबर 8 मैंने जो है वो क्वेश्चन आंसर आप दोबारा से मार्क करवा दिए. नेक्स्ट वन बेटा, चैप्टर नंबर 8 को मैं ऊपर शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, ठीक है? आपने दोबारा से चैप्टर नंबर 8 को स्क्रीन पे शेयर करें और दोबारा आपके पास चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर मैं मार्क करवा देती हूँ. अंडरस्टैंड, ठीक है? चैप्टर नंबर 8 के बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि चैप्टर नंबर 8 के हमने क्वेश्चन आंसर मार्क नहीं किए हैं. चैप्टर नंबर 8 बेटे, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगेन मैं मार्क करवा देती हूँ. प्लीज ओपन फर्स्ट जो है क्वेश्चन आपका है केमिकल चेंज का, अंडरस्टैंड? ओपन पेज नंबर 62. हरिया प्लीज चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर दोबारा में मार्क करवा देती, जो आप 6 अगस्त को जो अब आपके पास समर पैक जो गया है होमवर्क का चैप्टर नंबर 8 का, प्लीज बी केयरफुल. इसमें आपने डेफिनेशन वगैरह सब आपने कंप्लीट सही करनी है. इसमें आप चैप्टर नंबर 62 पेज नंबर 62 ओपन कीजिए. इसमें फर्स्ट आपका शेयर हो रही है स्क्रीन आंसर नंबर 1 की, केमिकल चेंज फर्स्ट वन आपने इस पर राइट डाउन करना है केमिकल चेंज की डेफिनेशन, ठीक है? केमिकल चेंज इज द मेन हेडिंग, डेफिनेशन इज द सब हेडिंग. फिर आपने केमिकल चेंज की कंप्लीट हेडिंग जो डेफिनेशन है वो राइट डाउन करनी है कि केमिकल चेंज इज वन इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, केमिकल चेंजेस आर परमानेंट एंड नॉट इजी टू रिवर्स. ये आपकी यहाँ तक डेफिनेशन ही होगी. नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है एग्जाम्पल्स की, के बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट्स, कुकिंग फूड आर सम एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल चेंज. नेक्स्ट आपने पैराग्राफ फिर वन लाइन स्किप करनी है. वन लाइन स्किप करने के बाद फिर आपने न्यू पैराग्राफ, जहां पे मैंने इसे स्क्रीन पे शेयर हो रहा है कि न्यू पैराग्राफ, आपने भी न्यू पैराग्राफ से स्टार्ट करना. यहाँ इसमें है फर्स्ट वर्ड जो है वो कोल का है, कोल का वर्ड जो है वो आपने मार्कर से राइट डाउन करना है नेक्स्ट पैराग्राफ में. और कोल का पूरा जो ये आपकी टू लाइंस आ रही है कोल की नेक्स्ट पैराग्राफ की, ये आपने पूरे इस नेक्स्ट पैराग्राफ में राइट डाउन करना है. यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट वन है बेटे, नेक्स्ट है आपकी हेडिंग होगी साइन ऑफ केमिकल चेंजेस, कि यहाँ पे साइन ऑफ केमिकल चेंजेस नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का साइन ऑफ, ये मेन हेडिंग दे दीजिएगा साइन ऑफ केमिकल चेंजेस. इसमें आपने तीनों जो है जो जो बुलेट्स बने हुए हैं फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स जो साइन दिए हुए हैं कि केमिकल चेंज के कौन कौन से साइन होते हैं, तो फर्स्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स, सेकंड साइन है चेंज ऑफ कलर्स, थर्ड साइन है आपका रिलीजिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑफ एनर्जी. ये तीनों आपने साइन यूज राइट डाउन करने के बाद फिर जो नेक्स्ट लाइन है इफ एनी वन ऑफ द अबव साइन टेक प्लेस इट शोज द केमिकल चेंज. ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद आपके पास अगला टॉपिक जो होगा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही एक्टिविटी, ठीक है, जो ग्रीन पैच में आपको शो हो रही है एक्टिविटी, पुट अ फ्यू आयरन नेल्स, ठीक है, यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी. पुट अ फ्यू आयरन नेल्स हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर, आफ्टर फ्यू डेज ऑब्जर्व द नेल्स, आयरन हैज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इन वाटर, इट इज कॉल्ड अ रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज दिस, ये आपने इसी लाइन में स्टेप में यूज नहीं राइट डाउन करनी है, बल्कि ये अपने नेक्स्ट लाइन में आपने राइट डाउन करने के व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज दिस. ये एक तरह से आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन राइट डाउन करने के बाद उससे नेक्स्ट लाइन में आपने इसका आंसर देना है कि इट इज अ केमिकल चेंज.
नेक्स्ट वन है कि आपके पास है कि आयरन प्लस ऑक्सीजन, जो न्यू आपके इक्वेशंस नजर आ रही है कि आयरन प्लस ऑक्सीजन, एरो का साइन है, उसके ऊपर वाटर यूज हो रहा है, वाटर, आयरन ऑक्साइड एंड डस्ट, ये आपने जो आपने वर्ड्स के फॉर्म में इक्वेशन है वो आपने राइट डाउन करनी है उसके बिल्कुल नीचे, ठीक है, उसके नीचे बिल्कुल आपने उसके सिंबल्स यानी सिंबॉलिक इक्वेशंस राइट डाउन करनी है। कौन सी इक्वेशन हमने राइट डाउन करनी है बेटे? सिंबॉलिक इक्वेशंस, कि आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, ऑक्सीजन का सिंबल वैसे तो O है लेकिन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में यहाँ पे यूज होगा O2, वाटर का सिंबल क्या है H2O, एरो के ऊपर राइट डाउन करना आपने, और जो रस्ट है आयरन ऑक्साइड का जो फॉर्मूला, रस्ट का जो फॉर्मूला है वो है Fe2O3, आपने 2 और 3 अपने बेस इस पे राइट डाउन करने हैं, अपने बिल्कुल उसके साथ बराबर करके राइट डाउन नहीं करने, जो अक्सर बच्चे बहुत गलत तरीके से राइट डाउन करते, ठीक है। अब थर्ड जो इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन आपने राइट डाउन करनी मस्ट है। अब थर्ड इक्वेशन में आपने इसको बैलेंस करना है, ठीक है, बैलेंसिंग द इक्वेशन। आपने लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो आपका रिएक्टेंट है, जो राइट हैंड साइड पे है वो आपका क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट कौन कौन सी चीजें रिएक्ट करती हैं और कौन सी चीज बनती है, ठीक है। आपने आयरन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो वो आपके क्या बन गया, रस्ट यानी आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला रस्ट का Fe2O3। अब सबसे फर्स्ट वन हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ सिंबल और सिंपल से फॉर्म में है, तो सबसे फर्स्ट वन हम बैलेंस किसको कर देते हैं, ऑक्सीजन को। वन साइड पे आपके पास ऑक्सीजन O2 है और अदर साइड पे ऑक्सीजन जो है वो O3 है। अब आप इसको दोनों को आप सिंपल जब हम बैलेंस करते हैं किसी इक्वेशंस को, तो इसके लिए हमें मस्ट या तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से या आप डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, ठीक है। O को यानी 2 का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी 6 बन जाएगा। तो इससे पहले आपने 6 राइट डाउन नहीं कर देना, ठीक है, सिर्फ सिंपल आपने क्या करना है कि 3O2 जहाँ पे लिखा हुआ रिएक्टेंट में, ठीक है, रिएक्टेंट में वहां पे आपने O से पहले 3 राइट डाउन कर देना, और अदर साइड पे जहाँ Fe2 लिखा था वहां उससे पहले बिफोर Fe से पहले आपने 2 यूज करना है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटे? अब आपने इस 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, Fe, ऑक्सीजन तो फिनिश हो गया, ऑक्सीजन के जो नंबर्स ऑफ एटम्स है वो इक्वल हो गए। अब आपने आयरन के सिंबल्स ऑफ आयरन के एटम्स लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, आयरन के नंबर ऑफ एटम जहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट बना, यानी ठीक है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, वहां पे कितने हो गए बेटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे क्या पास बन गया, 4। अब हमने रिएक्टेंट की तरफ जाना है तो रिएक्टेंट में ओनली Fe सिंपल लिखा हुआ था तो वहां पे भी हमने राइट डाउन कर देना है Fe से बिफोर 4 को, तो ये नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल हो गए किसके, आयरन के। यहाँ पे आपका आंसर नंबर फिनिश हो जाएगा, आंसर नंबर 1 इज द फिनिश, अंडरस्टैंड। अब आप आंसर नंबर 2, एनी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस मैं आप कंप्लीट करवा चुकी, कई दफा मैंने इसको मेरे ख्याल मार्क करवाया। नेक्स्ट पेज पे आइए बेटा, पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 पे, पेज नंबर 64 पे सबसे फर्स्ट मैंने कहा हाउ डज वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू फैट, और सेकंड वन था उसका प्लास्टिक। इसका फर्स्ट पार्ट जो है बेटा वो प्लास्टिक है, इसे फर्स्ट वन हम प्लास्टिक को अंडरलाइन करते हैं। प्लास्टिक का पेज, प्लास्टिक को आप मार्क करें, प्लास्टिक इज द मेन हेडिंग, आंसर नंबर 2, स्क्रीन पे सब कुछ शेयर हो रहा है, पार्ट नंबर 1, ठीक है। बेशक आप आंसर नंबर 2 जो है और पार्ट नंबर 1 अपने बुक पर राइट डाउन कर लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस को करते हुए। इसमें आपके जो प्लास्टिक है उसका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट लिखना है और सेकंड पैराग्राफ भी कंप्लीट राइट डाउन करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में आप डिस्कस कीजिए। इसके बाद अब आपका पास आएगा आंसर नंबर 2 का पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2, हाउ डज वेजिटेबल ऑयल चेंज इन टू द फैट। ये आपका कौन सा आंसर नंबर है, आंसर 2 है। यहाँ पे आपने हाउ डज को मार्क नहीं करना है, मेन हेडिंग आपने देनी है वेजिटेबल ऑयल चेंज इन टू द फैट, राइट डाउन करिए मेन हेडिंग। उसके बाद आपका फर्स्ट वन आपने इसके बाद स्किप करें, डेफिनेशन क्या राइट डाउन करना हमने, डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है बेटे वेन से, सेकेंड लाइन में देखे लास्ट में वेन यूज हो रहा,
When hydrogen is passed through vegetable oil in the presence of nickel, it converts into the solid fat. This process is called the hydrogenation. It is the definition of hydrogenation. कहाँ से स्टार्ट हो रही बेटे? वेन से. When hydrogen is passed through vegetable oil in the presence of nickel, it converts into the solid fat. This process is called the hydrogenation. अब फर्स्ट लाइन पे आइए, फिर अब नेक्स्ट पैराग्राफ आपने स्टार्ट करना है. वहां बेशक आप लिख लीजिए नेक्स्ट पैराग्राफ. अ केमिकल प्रोसेस, स्टार्ट में लाइन है, अ केमिकल प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन चेंजेस वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट वनस्पति घी. ये राइट डाउन करने के बाद फिर उसके बाद आप नीचे आइए जहाँ पे आपकी डेफिनेशन फिनिश हो गई थी. वेजिटेबल ऑयल इज लिक्विड, अपने यहाँ से स्टार्ट करना है. इसके बाद वेजिटेबल ऑयल इज लिक्विड वाल द घी इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे जो वेजिटेबल ऑयल है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है और जो घी है वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है. अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज यूज टू ब्रिंग अबाउट दिस केमिकल चेंज. ये यहाँ तक आपका आंसर है, आंसर नंबर टू का पार्ट टू. अंडरस्टैंड? अब आपके पास लास्ट में आपने इसके इक्वेशन मस्ट लास्ट में इसकी इक्वेशन मस्ट आपने राइट डाउन करनी है. वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ऊपर एरो के साइन के ऊपर है आपके पास निकल, वनस्पति घी, फैट. यहाँ पे आपका आंसर नंबर टू जो है वो फिनिश होगा. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर पे आंसर नंबर थ्री. बैक करिए अपने पेज. आंसर नंबर थ्री, फर्टिलाइजर्स. ठीक है, मेन हेडिंग है इसकी, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर. फर्स्ट वन आपने फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट राइट डाउन करना है. ठीक है, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट राइट डाउन करना है. उसके बाद थर्ड पैराग्राफ राइट डाउन करना है. ये राइट डाउन करने के बाद तीनों पैराग्राफ यानी स्टार्ट से शुरू होगा रिपीटेड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट होगा एनपीके तक, फिर वन लाइन स्किप करने, फिर सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट होगा. उसके बाद थर्ड वन, थर्ड पैराग्राफ जो है लिक्विड फर्टिलाइजर्स, ये कंप्लीट होगा. उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी इसमें वो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द इम्प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. ये आपके पास कंप्लीट यहाँ तक ये मेन हेडिंग रखेगा. उसके बाद इसमें भी पूरा कंप्लीट पैराग्राफ जो है वो आपका यूज होगा. इनकेस ये आपका आंसर नंबर थ्री फिनिश हो जाएगा. आंसर नंबर थ्री की बेटे फर्स्ट वन मेन हेडिंग जो है यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर इज अ मेन हेडिंग. इसे फर्स्ट पैराग्राफ राइट ऑन करना, इसमें सिर्फ आप ब्रैकेट यूज कर लीजिए. फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट है, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट है, उसके बाद थर्ड पैराग्राफ कंप्लीट है. यहाँ तक राइट ऑन करने के बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द इम्प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. इसकी हेडिंग देने के बाद आपका नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. ये आंसर नंबर आपका थ्री फिनिश हो जाएगा. नेक्स्ट है आंसर नंबर फोर. नेक्स्ट पेज पे आइए बेटा, पेज नंबर 64 पे आंसर नंबर फोर पे बेटा. आंसर नंबर फोर पे बेटा, पेज नंबर 64, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंजेस. सबसे फर्स्ट वन जो हेडिंग मेक दे दी आपने रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंजेस की हेडिंग देनी मेन हेडिंग. फिर सब हेडिंग आपकी आएगी रिवर्सेबल चेंज. रिवर्सेबल चेंज की हेडिंग देने के बाद आपने इसकी डेफिनेशन रखनी है, लिखनी है. क्या चार्ज चेंज दैट कैन गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इज कॉल्ड रिवर्सेबल चेंज. इट इज द टेम्परेरी चेंज, वी कैन गेट द सेम थिंग्स अगेन. यहाँ राइट ऑन करने के बाद फिर आपने इसकी एग्जाम्पल्स मेल्टिंग ऑफ आइस से इसकी एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगी. एग्जाम्पल स्टार्ट होंगी, एग्जाम्पल स्टार्ट होने के बाद आपने इसको एग्जाम्पल्स स्टार्ट होने के बाद ये पूरी हेडिंग जो है ना पूरा पैराग्राफ आपकी एग्जाम्पल्स में आ जाएगी. नेक्स्ट वन है बेटे डेफिनेशन लिखनी है आपने इरिवर्सेबल चेंज. ठीक है, किसकी है? इरिवर्सेबल चेंज. यहाँ पर आपने इरिवर्सेबल चेंज की आपने हेडिंग देनी है. ये स्टार्ट होगा अ चेंज दैट कैन नॉट, इसमें डेफिनेशन ये इरिवर्सेबल चेंज की डेफिनेशन है. फर्स्ट वन के अ चेंज दैट कैन नॉट गो बैक इज कॉल्ड एन इरिवर्सेबल चेंज. इट इज द परमानेंट चेंज, वी कैन नॉट अगेन गेट द थिंग्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. यहाँ तक फॉर्म तक आपकी डेफिनेशन है.
उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स कहाँ तक है बेटे? चेंजेस तक, इरिवर्सिबल चेंज। हाउ कैन वी रिलेट, ये आपने यूज नहीं करना। ये आपका आंसर नंबर 4 इज द फिनिश। नेक्स्ट है बेटे, अभी 3 मिनट्स हैं। सेकेंड वन बेटे, एक्सरसाइज ओपन कीजिए। एक्सरसाइज ओपन करें, अ चेंज इन साइज शेप और स्टेट ऑफ मैटर, ये फिलअप कर लीजिए बेटा। फर्स्ट वन में आएगा फिजिकल चेंज, अरे प्लीज राइट डाउन फिजिकल चेंज। सेकेंड वन, रिजल्ट इन न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंस इज फिजिकल, रिजल्ट्स इन ए न्यू सब्सटेंस, जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है वो आपका क्या बनेगा? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज फर्स्ट वन में बेटा, फिजिकल चेंज। सेकेंड वन में क्या आएगा आपके पास? केमिकल चेंज। थर्ड वन में फार्मर यूज टू इंक्रीज क्रॉप्स प्रोडक्शन, ये आपका कौन सा आ जाएगा? फर्टिलाइजर बेटा। इसमें फर्टिलाइजर्स के स्पेलिंग आपको मेंशन नहीं हो रहे हैं, फर्टिलाइजर स्पेलिंग आई डोंट कर लीजिए, FERTILIZERS फर्टिलाइजर्स। फोर्थ वन में बेटा, कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, तो ये वर्ड बनेगा बेटा हाइड्रोकार्बन, नॉट हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोकार्बन। जो एटम्स यूज होंगे वो आपके हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, लेकिन जो न्यू मॉलिक्यूल्स बनता है, जो न्यू कंपाउंड बनेगा वो आपका क्या होगा? हाइड्रोकार्बन, HYDRO हाइड्रो CARBON हाइड्रोकार्बन। फिफ्थ वन में बट पॉलीमर डेट कैन बी इजिली मोल्डेड इज कॉल्ड द प्लास्टिक, यहाँ पे स्पेलिंग क्या आ जाएंगे? प्लास्टिक के। नेक्स्ट वन बेटे, एनसर्कल द, फर्स्ट वन में है बर्निंग मैजेस्टिक इज एन एग्जांपल केमिकल चेंज, क्योंकि आपने ये वाली सब चीजें क्वेश्चन आंसर में बहुत गलत की, जो इस पेपर में मेरे पास आए हैं आपको ये नहीं पता लग रहा था कि कौन सी चीज इसमें, मैंने आपको बताया था कि मार्जिन इज अ केमिकल चेंज, लेकिन आप लोगों ने यूज सही नहीं किया था। बर्निंग ऑफ मैजेस्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। सेकेंड वन, विच वन इज अ फिजिकल चेंज? ब्रेकिंग ऑफ द वुडन स्टिक। थर्ड वन, an example of chemical change is burning of paper. Fourth mein, the red color of a rose turns brown is a chemical change. Next one hai, the vegetable oil change into the, isme vegetable oil jab change hota hai to isme hum kis kaun si cheez hamare paas, kaun si gas pass hoti hai? Hydrogen. Seventh one hai, sixth one hai beta, chemical change is a result in a loss of matter. Jab chemical change hota hai to loss of मैटर। एनी प्रॉब्लम आई विल डिस्कस, क्योंकि टाइम इज ओवर बेटे, आई विल फिनिश द क्लास। एनी प्रॉब्लम डिस्कस यू टुमारो, आई विल डिस्कस यू टुमारो, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन से फिर मैं आपकी न्यू क्लास स्टार्ट करवाऊंगी मंडे से, चैप्टर नंबर 5 की, ताकि उसको रिवाइज करवाऊंगी।